नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था, इस वीडियो में मैं आपको IVF के बारे में बताऊंगी। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फीमेल का एग और मेल का स्पर्म बॉडी के फीमेल की बॉडी के बाहर आपस में फर्टिलाइज होते हैं। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन मतलब एग और स्पर्म का आपस में फ्यूज होना। सो दैट इज IVF। IVF में हम फीमेल को कुछ दवाइयां देते हैं जिससे कि उस मंथ में उसकी अंडेदानी में खूब सारे एग्स बने। जब वो 10 से 12 दिन में एग्स बनकर रेडी हो जाते हैं तो उनके रिलीज होने से पहले, जस्ट रिलीज होने से पहले, हम उनको फीमेल की बॉडी से पर वजाइना एस्पिरेट कर लेते हैं और एक डिश में कलेक्ट कर लेते हैं। राइट उसी टाइम हस्बैंड को बोला जाता है कि वो अपने सीमन सैंपल दें। वो हमें अपना सीमन सैंपल देते हैं जिसे प्रिपेयर करके हम उनके सीमन में से बेस्ट स्पर्म्स को पिक करके उनकी वाइफ के एग्स के साथ सेम डिश में रख के एक इंक्यूबेटर में रख देते हैं। वो इंक्यूबेटर बिल्कुल हूबहू फीमेल की बॉडी के अंदर का वातावरण सिमुलेट करता है। सेम टेम्परेचर, सेम pH, सेम स्टेबिलिटी। अब बॉडी के अंदर भी फर्टिलाइजेशन होने में लगभग 15 से 18 घंटे लगते हैं, तो उतना ही टाइम हम उन्हें एक एक्सटर्नल वातावरण में रखते हैं जो कि बिल्कुल ह्यूमन बॉडी को सिमुलेट करता है। उतने घंटों के बाद, 18 घंटों के बाद हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं। इनक्यूबेटर से डिश निकाल कर हम चेक करते हैं कि कितने एग्स और स्पर्म आपस में फ्यूज हो पाए। तो जितने एग्स हमारा स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है वो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर day 3 या day 5 स्टेज पर जो मोस्ट हेल्दी एम्ब्रियो होता है उसे एक बहुत ही बारीक माइक्रो मिलीमीटर साइज जितने कैथेटर में एस्पिरेट करके बहुत ही जेंटली, बहुत ही आराम से फीमेल पेशेंट को लिटा कर बिना किसी हरकत के, बिना किसी पेन के हम उसे यूट्रस नीचे से फीमेल के यूट्रस के अंदर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर उस एम्ब्रियो को यूट्रस में धीरे से रिलीज कर देते हैं। दिस इज द मेन प्रोसेस, द बेसिक स्टेप्स ऑफ IVF। अब इसमें आप खुद ही सोचिए, पेनफुल प्रोसीजर कुछ भी नहीं होता। जो दवाई होती है वो कुछ इंजेक्शंस के फॉर्म में दी जाती है 10 से 12 दिन, वो इंजेक्शंस बिल्कुल पेनलेस होते हैं। जो एग निकालने का प्रोसेस है वो थोड़ा पेनफुल हो सकता है, बट वो अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है इसलिए पेशेंट को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जो एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसेस है दैट इज एब्सोल्यूटली पेनलेस, बिकॉज इट हैज टू बी पेनलेस, इट हैज टू बी वेरी जेंटल, बिकॉज हमें एम्ब्रियो को, हमारा करने का तरीका ऐसा होता है कि एम्ब्रियो को पता नहीं चलना चाहिए कि वो बॉडी के बाहर था और उसे वापस अंदर रखा जा रहा है। सो IVF इज अ वेरी जेंटल प्रोसीजर, इट इन्वॉल्व नो पेन, नो एडमिशन इन द हॉस्पिटल, नो अननेसेसरी ड्रग्स, ओनली 10 से 12 दिन अंडा बनाने के लिए जरूर हर रोज पेशेंट को एक शॉट ऑफ इंजेक्शन लेना पड़ता है। आई होप आप सब लोगों को मेरे इस वीडियो के थ्रू IVF की बेसिक स्टेप्स के बारे में पता चल गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी ICSI के बारे में। थैंक यू।